नमस्कार दोस्तों एफ न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों चाय के शौकीनों की दुनिया भर में कमी नहीं है इस पेय को लेकर कुछ लोगों की दीवानगी तो इतनी होती है कि वो दिन में कितने भी कप चाय पी सकते हैं और मज़ेदार बात यह है कि वो गिनते भी नहीं है क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के शहरों से गाँव तक में मशहूर चाय आखिरकार किस भाषा से आई है एक प्याला चाय की ताजगी का मुकाबला कोई भी ड्रिंक नहीं कर सकता भारत में चाय को लाने का श्रेय भले ही अंग्रेजों को जाता हो लेकिन भारतीयों की लाइफ में ये इस तरह से रची बसी है कि इसे कोई अलग ही नहीं कर सकता बिना चाय के बहुत से लोगों का दिन भी शुरू नहीं होता आज हम आपको इस चाय से जुड़े फैक्ट के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हिंदी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ये नहीं जानते कि वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं इनमें कुछ सामान और कुछ खाने पीने की चीजें भी हैं जिन्हें हम वैसा का वैसा इस्तेमाल करते हैं ऐसा ही एक शब्द है चाय जिसकी उत्पत्ति के बारे में कम ही लोग जानते हैं अधिकतर लोगों को लगता है कि चाय का आविष्कार भारत में ही हुआ है हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है चाय और टी दो ही शब्द हैं जो इस खास पेय को डिफाइन करते हैं ये दोनों शब्द एक ही भाषा से आए हैं जिन्हें दुनिया भर में इस पॉपुलर पेय के लिए इस्तेमाल किया गया अब मुद्दा यह है कि चाय असल में किस भाषा का शब्द है ये मूल रूप में चीन में बोले जाने वाली मैंडेरियन भाषा का शब्द है चीन में इसे चा कहते हैं ये कोरिया और जापान में भी ऐसे ही कहा गया है जहां भी ये शब्द पहुंचा उसे चाय ही कहा गया चाय को पारसी में चाय कहा जाता है जो उर्दू में चाय बना अरबी में से शे, रूसी में चे, स्वाली भाषा में इसे चाय कहते हैं। इसी तरह टी को भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है दिलचस्प यह है कि अंग्रेजी का टी शब्द भी चीन से ही निकला दरअसल चीन के एक इलाके में मिंग नान भाषा बोली जाती है जहां टी का उच्चारण होता है यह व्यापार के लिए आने वाले लोग इसे टी बोलने लगे और ये बाकी जगहों पर भी टी ही बोला गया अब बात करते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं तो जनाब जवाब यह है कि चाय को हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित मिश्रित्र युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है इसे संस्कृतनिष्ठ हिंदी में उष्णोदक भी कह सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मजेदार जानकारी हमें कमेंट करके बताएं साथ ही लाइक और शेयर भी करें